हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मान विजय, आप देख रहे हो चैनल क्लासिक 95। तो दोस्तों, आज मैं क्या करने वाला हूँ आपको बता देता हूँ। आज मैं बेसिकली अपनी टाटा हैरियर को ऑफ रोडिंग कराऊंगा। तो अभी ही आपको मैं क्लियर कर दूँ, अगर आप सोचो कि 4x4 टाइप ऑफ रोडिंग करवाऊंगा मैं हैरियर की, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हैरियर जो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल है और इसमें जो है अपने को ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें ऑफ रोडिंग अच्छी होती है। और तो और इसमें टेरेन मोड भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि रफ रोड मोड, वेट मोड, ये सारे मोड भी अपने को देखने को मिलते हैं। तो जो भी ऑफ रोडिंग मैं करूँगा पूरी की पूरी रफ रोड मोड में करूँगा, वेट मोड में करके कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कहीं भी अपने को गीली सड़क नहीं दिखेगी जहाँ मैं ऑफ रोडिंग करने वाला हूँ। और आप इस वीडियो को देखोगे तो इससे आपको पता चलेगा कि यार जो अपनी टाटा हैरियर है, इससे आपको पता चलेगा कि कितनी कैपेबल है अपनी ऑफ रोड के अंदर। और लिटरली जो इस बार मैं रूट लेने वाला हूँ वो बहुत ख़राब रूट है, और ऐसा रूट है जहाँ पे अगर अपन बात करें हैचबैक हो या फिर कोई सडान हो तो वो डेफिनेटली अटक जाती है। एसयूवीज अटकती कम है, लेकिन एसयूवीज में भी उधर स्ट्रगल करना पड़ता है तभी उस रूट से निकल पाती है। और अपने पास टाटा हैरियर यहाँ पे जा रही जो कि रफ रोड मोड में है, और डेफिनेटली मेरे को लग रहा है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। और आप लोग भी मेरे साथ यहाँ पे बैठे ही हो देखने के लिए, तो मेरे को भी लग रहा है यार आप लोगों को देख के डेफिनेटली हैरियर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर ही देगी। तो इनिशियली जब मैं हैरियर को यहाँ पर ले हूँ तो फिर आपको पता चला कि यहाँ पे बहुत ही ईजीली निकल रही है ये। अभी मैं अप्रोच कर रहा हूँ कि कहाँ पे ऑफ रोड करूँगा, और यहाँ पे जब आप इसका देखोगे जहाँ पे मैं गाड़ी को चला रहा हूँ तो वो पूरा ही कांटों से बिछा पड़ा है, और मेरी गाड़ी में कोई भी पंचर वंचर की संभावना नहीं हुई है। और मैं जब यहाँ पे घर आके देखा मैंने तो कोई भी पंचर नहीं हुआ है गाड़ी में, वो बहुत अच्छी बात है, जबकि बहुत सारे कांटों से निकली है ये। और इसका अगर अपन बात करें कितनी पावर आउटपुट देखने को मिलती है, तो यहाँ पे मेरे पास और टॉर्क जो है वो 340 न्यूटन का देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे जब अपन इसको चला रहे होते गाड़ी को तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कंट्रोलिंग होती है आपके पास, कितने भी जर्क आपको बहुत कम महसूस होते हैं हैरियर के अंदर। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ डायरेक्टली विद दैट ऑफ स्कॉर्पियो तो बहुत ज़्यादा जर्क अपने को देखने को मिलेंगे। और कितनी भी रगड़ चलाओ गाड़ी यार आपको लगेगा डेफिनेटली बहुत अच्छी बिल्ड के अंदर अपने को देखने को मिलेगी। यहाँ पे जब मैं इसको चला रहा हूँ तो आपको देखने को पड़ेगा कि यार जब अपने टायर चल रहे हैं और आपको पता चलेगा कि कितने सारे पत्थर बिछे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपनी गाड़ी जो है ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ नहीं दिख रही है, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। और स्टेबिलिटी डेफिनेटली बहुत अच्छा काम आएगी अपने को यहाँ पे। और एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है वो है ग्राउंड क्लीयरेंस। आपको मैं एक जगह दिखाऊंगा जहाँ पे आपको ग्राउंड क्लीयरेंस के बारे में पता चलेगा कि यार कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है अपनी यहाँ पे टाटा हैरियर का ग्राउंड क्लीयरेंस। और जब भी मैं इस रूट में से ले गया था जो भी अपने ऑफ रोडिंग के रूट थे, डेफ़िनेटली आप कहीं भी चलाओ इस गाड़ी को आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और आप डेफ़िनेटली इन्जॉय ही करोगे इस गाड़ी को ड्राइव करना, और कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं अभी मैं यहाँ पे जब ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे अपने टायर जो होते दूसरी गाड़ियों के अटक गए हैं, कई बार अटके भी। और आपको यहाँ पे अगर अच्छे से मैं दिखाता यहाँ पे तो आपको पता चलता कि यहाँ पे कई सारे गाड़ियों के टायर के निशान भी थे, जिसकी वजह से गाड़ियाँ अटकी हुई थी और रिवर्स लेके निकलना पड़ा। लेकिन जैसे ही टाटा हैरियर मेरी यहाँ पे नॉर्मल मोड में अटक गई थी तो मैं रुक गया था, तो मैंने जब रफ रोड मोड में डाला तो एक ही बारी में निकल गया। और यहाँ पे आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जस्ट इसका टच होने वाला है लेकिन टच नहीं हुआ नीचे बॉटम से। तो इससे पता चल रहा है ग्राउंड क्लीयरेंस कितनी ज़्यादा मदद करता है अपने को। 205 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस डेफिनेटली बहुत अप टू डेट है अपनी टाटा हैरियर के लिए, और इतना ग्राउंड क्लीयरेंस चाहिए ही था मेरे को ऑफ रोडिंग के लिए। यहाँ पे मैं जब जा रहा हूँ तो हैरियर में बहुत ज़्यादा विड्थ है, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत ध्यान रख के चलना पड़ रहा था साइड में कि कहीं ये गाड़ी अड़ नहीं जाए, और डेफिनेटली पत्थर वगैरह भी बहुत सारे हैं आसपास में, तो उसके अकॉर्डिंग मैं गाड़ी को ड्राइव करके निकल रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो जब अपन गाड़ी को ले जा रहे हैं, एक तो बिल्कुल ही कम जर्क है, और जो ऑफ रोडिंग परफॉर्मेंस अपने को देखने को मिलेगी वो डेफिनेटली बहुत अच्छी है। और जब आप कैबिन के अंदर से देखोगे तब जाके आपको इनिशियली पता चलेगा नहीं यार ये थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब सड़क है, क्योंकि कैबिन के बाहर तो अपने को लगता है कि नहीं यार ये तो कोई भी गाड़ी कर लेगी, लेकिन कैबिन के अंदर जब होते हैं जब अपन ड्राइव कर रहे होते हैं तब अपने को पता चलता है नहीं यार ये पहाड़ों के बीच में से निकल रही गाड़ी और कितना अच्छा परफॉर्म करके दिख रही है। और सबसे पहला रूल जो होता है ऑफ रोडिंग में वो ये होता है कि जितना स्लो चला सको उतना अच्छा होता है। अगर आपको प्लेन रोड मिल गई तो फिर आप कितना भी खींच सकते हो गाड़ी को, लेकिन ऑफ रोडिंग में अगर आप ज़्यादा फास्ट चलाओगे तो फिर कई बार आपकी गाड़ी के लिए सेफ नहीं होता है और आपके लिए भी सेफ नहीं होता है। तो आपको यही कहूँगा मैं, जब भी चलाओ स्लो चलाओ तभी आपके लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। गाड़ी के अंदर काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है अपने को, थोड़े बहुत जर्क तो लगेंगे लेकिन काफ़ी कम देखने को लगेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। फिर मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।